प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता जिस कारण गठबंधन की सरकार बननेता था, था अब लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुकता थी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी निर्दलीयों के साथ सरकार बनाती है या फिर दुष्यंत चौटाला को साथ लेकर सरकार बनाती है दिन भर घटनाक्रम चलता रहा और दुष्यंत चौटाला ने भी अब आखिरकार बड़े संकेत दिए हैं उनका कहना था कि जो भी उनकी शर्तों को मानेगा वह उन्हें समर्थन देने के लिए सरकार बनाने के लिए उनके साथ मिलकर तैयार हैं उन्होंने साफ तौर पर बड़े संकेत दिए हैं कि वह भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं अब सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुजरात से रात्रि में लौट रहे हैं और उसके बाद रात्रि में भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई गई है इस बैठक में भाजपा और जजपा के आपसी गठबंधन को लेकर बातचीत की जाएगी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन लगभग हो चुका है भारतीय जनता पार्ट पार्टी ने जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की सारी शर्तें मान ली है बताया जा रहा है कि इन शर्तों के तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोहर लाल को प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जबकि जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनाया जाना लगभग तय माना गया है और इसके साथ ही जन नायक जनता पार्टी के दो विधायकों को सरकार में मंत्री पद दिए जाएंगे इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जन नायक जनता पार्टी की सभी शर्तों को यानि घोषणा पत्र को भी मानने के लिए तैयार हो गई है दुष्यंत चौटाला ने जो भी शर्तें भारतीय जनता पार्टी के सामने सरकार बनाने के लिए यानी समर्थन देने के लिए रखी हैं उन सभी शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अब गठबंधन पर केवल अमित शाह की रात्रि में दिल्ली लौटने के बाद मोहर लगना बाकी है बताया जा रहा है कि अमित शाह दिल्ली लौटते ही दुष्यंत चौटाला के साथ रात्रि में बैठक करेंगे और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी व जन नायक जनता पार्टी का आपसी गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा और कल दोनों दल मिलकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे जिसमें मनोहर लाल मुख्यमंत्री होंगे जबकि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम होंगे और जन नायक जनता पार्टी के दो विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा इस तरह से अब प्रदेश में यह राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी की सारी शर्तों को मानते हुए गठबंधन कर लिया है और यह मात्र केवल ऐलान होना बाकी है जल्द ही ऐलान इसका रात्रि में ही होने की पूरी उम्मीद है